वेलकम टू तहरीम खान क्लासेस टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया था कि सेंटेंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। व्हाट इज सेंटेंस एंड हाउ मेनी काइंड ऑफ सेंटेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने जो है होते हैं भाग बेटा, एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच में ये होता था कि कोई स्पीच है आपके पास तो उसके कितने पार्ट होते हैं, उसमें कितने पार्ट होते हैं, टोटल 8 पार्ट होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने टुकड़े होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई एक वाक है अगर आपके पास तो उसके कितने टुकड़े हो सकते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं शामिल, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, और प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, कंजक्शन है। तो ये सारे मिलके क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। इसके टोटल कितने होते हैं, 9। पहला होता है नाउन, ठीक। नाउन क्या होता है हम सभी लोग जानते हैं, एक ऐसा वर्ड जिससे किसी जगह का, किसी चीज़ का, किसी इंसान का, किसी वस्तु का, है ना, नाउन है नेमिंग वर्ड सिंपल भाषा के लिए। तो नाउन एक क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है जिसे किसी के नाम का पता चलता है, ठीक है। और दूसरी भाषाओं में कई चीज़ों में कई तरह की डिफिनेशन दिया गया है। तो नाउन क्या है, पहली बात सिंपल एक पर्सन का, प्लेस का, किसी थिंग्स के नेम को ही नाउन कहते हैं। नाउन इज ए नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग्स एक्सेप्ट्रा। और सबसे इजी भाषा में तो ये कह लीजिए कि नाउन क्या है, कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरा जो इसका पार्ट होता है बेटा, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के ही प्लेस पे लिखा जाता है। अ वर्ड दैट इज यूज्ड एज ए प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड क्या है, प्रोनाउन, ठीक। उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। इसी को इंग्लिश में, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, इसको संज्ञा कहते हैं, और इसको नाउन को संज्ञा कहते हैं, इसको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं, ठीक। तीसरा जो इसका पार्ट है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है बेटा, एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी स्थान की, उसकी अच्छाई बुराई जो भी बयान करे वो क्या करते हैं, उसे कहते हैं विशेषण। ए वर्ड दैट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए, ठीक है, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। अगला, अगला बेटा पार्ट है इसका वर्ब। अगला क्या है पार्ट, वर्ब। वर्ब को ही क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। वर्ब क्या है, जिससे ये एक्शन वर्ड हो, सेंटेंस के अंदर, हमारे वाक के अंदर जो एक्शन वर्ड होता है। बाद में डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे कि वर्ब दो टाइप के होते हैं, लेकिन वर्ब क्या होता है उसमें वास्तविकता में, कि ये क्या होती है, कि ये कोई एक्शन वर्ड होता है जिस वाक्य में जो कार्य किया जाता है, जो करने का ढंग तरीका होता है, कि पता चला कि कौन सा कार्य हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। फिर अगला है प्री एडवर्ब। एडवर्ब है बेटा, एडवर्ब क्या होता है, इसको हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब क्या होता है बेटा, क्रिया विशेषण, ठीक है। ए वर्ड दैट मॉडिफाइज अदर वर्ड वर्ड्स एक्सेप्ट देन नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके किसी और शब्द की विशेषता बताए, खासकर क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसे ही क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, यानी वर्ब की जो को मॉडिफाई करे, जो वर्ब की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अगला इसका पार्ट है बेटा प्री पोजिशन। प्री पोजिशन क्या होता है बेटा, ये जो है किसी ऑब्जेक्ट आता है, कोई शब्द, कोई नाउन है, कोई संज्ञा है या प्रोनाउन है, और जो दूसरे सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या करता है, एक रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है। जैसे इसके लिए एग्जांपल दे दें हम,
कि माय बुक इज ऑन द टेबल, मेरी किताब मेज पर है। तो ये ऑन जो है टेबल और किताब, ठीक है, बुक और टेबल के बीच में एक रिलेशन बना रहा है। ये टेबल के पहले आया है, टेबल के पहले ये प्लेस बता रहा है ना कि कहाँ पर है, मेरी बुक किस पर है, मेज पर रखी है। तो ये क्या कर रहा है आपको कि जो है आपका क्या बतला रहा है, एक संबंध बना रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट और या कर्ता या दूसरे और वाक्य के दूसरे वर्ड्स के बीच में एक रिलेशन बना रहा है। इसको बेटा संबंध सूचक ऐसे कुछ है। संबंध क्या है, संबंध सूचक अवयव, ठीक है, संबंध सूचक अवयव है जो संज्ञा सर्वनाम के साथ उस आकर उस शब्द का संबंध वाक्य के क्या करे, अन्य शब्दों के साथ स्थापित करे। संज्ञा सर्वनाम के साथ आता है और वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। कहते हैं ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच शोज क्या करता है, प्लेस, क्या शोज करता है, प्लेस, कहाँ पे है वो, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, मेथड, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये प्रीपोजिशन होता है। अगला क्या है बेटा, अगला है कंजक्शन। एक ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को या फिर दो सेंटेंस को आपस में क्या करता है, जोड़ता है, जोड़ने का कार्य करता है। दो वर्ड्स को आपस में, दो वर्ड्स को, जैसे मैं बोला मोहन एंड सोहन, ठीक है, तो मोहन और सोहन को जोड़ रहा है। ऐसे ही अगर दो फ्रेज हैं तो उनको जोड़ने का कार्य करता है, और तीसरी चीज़ क्लॉज है तो उनको आपस में जोड़ने का कार्य करता है, या दो सेंटेंसों को भी, दो सेंटेंसेस को भी आपस में, दो वाक्य या उपवाक्य उनको आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो ये हो गया कंजक्शन। अगला जो इसका पार्ट है इंटरजेक्शन, है ना। इंटरजेक्शन क्या होता है, ये अचानक से मन में कोई भावना उठती है, जो हम जैसे पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टाइप का नहीं, तो ऐसे वर्ड जो अचानक से मन में उठे भाव को प्रकट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। विच शोज सम सडन फीलिंग, कोई अचानक से फीलिंग हमारे मन में आ जाती है, कोई हमारे मन में कोई उठी अचानक से फीलिंग, उसके लिए क्या कहते हैं, वो हो जाता है, क्या हो जाती है वो, इंटरजेक्शन, वो सरप्राइज हो, जॉय हो, उसमें सैड भी, दुख भी हो सकता है, आप खुश भी हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं। मन में कोई ऐसी भावना उठ गई जिसमें आपको खुशी भी मिल गई, आपको दुख भी मिल गया, ठीक है, वो क्या हो जाता है हमारा, इंटरजेक्शन हो गया। तो ये हमारे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल कितने पार्ट थे, 9-8 पार्ट थे। नाउन था, प्रोनाउन था, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब इसमें से एक तरफ से हमको फिर अब नाउन के बारे में पढ़ना होगा, किसके बारे में पढ़ना होगा, नाउन के बारे में। अब नाउन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो नाउन कितने टाइप के होते हैं बेटा, सबसे पहले तो हम नाउन जानते हैं क्या होता है, अभी हमने समझा कि नाउन क्या होता है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, सिंपल सी बात हो तो यही जानी कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, तो वो नाउन है। सिंपल सी भाषा में नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, वो नेमिंग वर्ड होता है। दूसरी चीज, अब इसमें क्या है कि नाउन कितने टाइप के होते हैं, तो नाउन कितने टाइप के होते हैं, फाइव टाइप के होते हैं। पहला होता है बेटा प्रॉपर नाउन, दूसरा होता क्या कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा क्या होता है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, नेक्स्ट क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जब किसी खास जगह का, किसी खास व्यक्ति का, खास चीज़ का नाम ले लें, अगर हम नदी कहेंगे, रिवर बोलेंगे तो रिवर किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन, लेकिन हमने बोल दिया गंगा रिवर, उस नदी का नाम ले लिया, नेम बोल दिया, तो ये किस में चला जाएगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है।
उसका हम नाम ले लें, नेम जब बोल देंगे किसी भी, हमने अगर बोल दिया किसी भी चीज़ का, हमने बोला क्या माउंटेन बोल दिया तो कॉमन नाउन हो गया, अगर हमने बोल दिया हिमालय तो प्रॉपर नाउन हो गया, या हम ऐसे जब किसी चीज़ का किसी नाम बोल दिया, हमने बोल दिया बॉय तो बॉय किस में आएगा, कॉमन नाउन में, हमने अगर लिख दिया राहुल नाम ले लिया किसी का तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, बॉय इसमें आ जाएगा, गर्ल भी इसमें आ जाएगा, ठीक है, ये कॉमन नाउन, जब किसी का नाम ना ले रहे हो पूरी कम्युनिटी के बारे में बता रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसमें कुछ इकट्ठा हो रहे हैं ना, बंचेज ऑफ की आप जो एक चाबी का गुच्छा है, ग्रेप्स का गुच्छा है, ऐसी तरीके से क्लास क्या भी, ये भी कलेक्टिव नाउन है, क्लास क्या हमारा कलेक्टिव नाउन है भाई, इसमें कई स्टूडेंट इकट्ठा होते हैं ना, जहाँ पे कलेक्शन हो उसको क्या कहेंगे, जैसे जानवरों के एक झुंड जा रहा है उसको कैटल कहते हैं, वो भी कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, ऐसे ही क्राउड क्या हमारा है कलेक्टिव नाउन है, जैसे जहाँ पर कलेक्शन हो। फिर अगला है मटेरियल नाउन, ऐसी चीज़ें जो मटेरियल से बनी हुई हैं, आयरन है तो खुद ही मटेरियल है, ठीक है, मिल्क किस में आएगा, किस में आएगा, वाटर किस में आएगा, मटेरियल नाउन ना, ठीक है, ये सारे क्या आएंगे, मटेरियल नाउन में। अगला क्या है बेटा, यानी जो मटेरियल से बनी हुई चीज़ें हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पदार्थ, पदार्थवाचक, सिंपल सी बात, जो पदार्थ से बना हुआ वो मटेरियल नाउन है। अब अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये फीलिंग्स होते हैं ना, ये फीलिंग होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कोई एग्जांपल फीलिंग इसका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई, ऑनेस्टी, वेरी गुड, ऑनेस्टी क्या हमारा है, ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ईमानदारी, इसको हम फील ही कर सकते हैं ना, नाप तौल थोड़ी ले सकते हैं, ठीक है, हम फील ही कर सकते हैं। और कोई हैप्पी, ठीक है, ये भी क्या है, सैड, ये सारी चीज़ें जिसको हम फील कर सकते हूँ वो क्या होगा, वो सबका सब क्या होगा, सब क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट होते हैं टोटल, 8 पार्ट, नाउन प्रोनाउन लगभग सबको पता होगा, कितने पार्ट होते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है, इतने पार्ट होते हैं। अब इसमें से हम लोगों ने फिर पहला पार्ट पढ़ लिया कि नाउन क्या होता, ठीक है, नाउन क्या होता, सिंपल सी भाषा में नाउन क्या होता है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए वर्ड दैट जो है सिंबल किसका होता, प्लेस का, किसी भी चीज़ का, थिंग्स का नेम हो, प्लेस का नेम हो, किसी इंसान का, जानवर का, किसी भी चीज़ का नाम हो, ठीक है, वो होता है नाउन। अब नाउन के अंदर ही क्या होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन हमने समझ लिया कि जब उस व्यक्ति का, जब उस जगह का, खास जगह का, नहीं हर जगह नहीं, जैसे हमने अभी हमने बताया एग्जांपल, कि अगर हमने कह दिया बॉय तो बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं, कौन सा लड़का हम पता नहीं पा रहे हैं, समझ रहे, वो पूरी कम्युनिटी बात बॉय, अब लड़का कौन सा लड़का पता नहीं, बहुत सारे लड़के हैं भाई। अगर हमने उसका जो है जात पूरी बता दी, अब लड़के में तो लड़के भाई सभी आते हैं, लड़के चाहे जो लड़का हो, उसकी कम्युनिटी के बारे में पता चला ना, जात के बारे में पता चली, तो वो कॉमन नाउन में आएगा। इसको जात सूचक हिंदी में शायद कहते भी हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, वही तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन में हमने ले लिया राहुल, हिमालय, गंगा, जब हम किसी चीज़ का नाम ले रहे हैं, हमने ले लिया जो है, जब नाम ले लिया, हमने मोबाइल बोला, तो अब मोबाइल किस में आएगा, कॉमन नाउन, इसलिए कि मोबाइल में भी बहुत सारी कंपनी है ना, हमने कहा रेडमी मोबाइल, तो भाई प्रॉपर नाउन में आ गया। इसमें जिसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हो गए ना, तो जब तक उसका नाम नहीं लिया जाए तब तक वो प्रॉपर नाउन होगा। दूसरा फिर था कलेक्टिव नाउन, जहाँ पे कलेक्शन हुआ, अभी आपने पढ़ा क्लास, आर्मी भी है ना, आर्मी सोल्जर्स का कलेक्शन है, हेड हो गया, जानवरों का झुंड है, कैटल हो गया, ये सारे कलेक्टिव नाउन है, चाबी का गुच्छा उसमें भी आता है। फिर क्या हो गया था, मटेरियल नाउन, जितनी सारी चीज़ें मटेरियल से बनी हुई हैं वो सारे क्या होंगे, मटेरियल नाउन होंगे, कोई लोहा से, गोल्ड से, सिल्वर से, जिससे भी बनी हुई चीज़ हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसमें हम फील कर सकते हो, ठीक है, जिसमें हैप्पी है, ऑनेस्टी है, सैड है, तो ये हम सब फील कर सकते हैं।
तो ये हमने नाउन भी पढ़ लिया है। आगे जो पार्ट बचे हैं इसके, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।